हेलो हेलो ओके ओके लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हेयर एंड आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो एक सुपरस्टार के साथ है मेरे हिसाब से वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं उन्होंने कोई साठ ड्रामे किए हैं उन्होंने बाईस अवार्ड्स हासिल किए हैं और पंद्रह फिल्में भी की हैं और साथ साथ अभी एक फिल्म करने जा रहे हैं जो कि एक फ्रेंचाइज है लंदन नहीं जाऊंगा और हम इसका बहुत अरसे इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि हमें भी पता है कि कोविड की वजह से बहुत सारी फिल्में डिले हो गई थी और हुमायूं की जो फिल्में होती हैं वो सक्सेसफुल होती हैं सो so, मैंने उनका नाम ले लिया हुमायूं सद <laughs> <laughs> हुमायूं थैंक यू फॉर कमिंग टू माई पॉडकास्ट नहीं नहीं मैं बहुत अरसे से आना चाह रहा था मगर यू you नो know, बहुत ट्रेवलिंग थी आई नो इसलिए बस मैं कर नहीं सका लेकिन आ, मुझे खुशी है कि मैं <laughs> आ गया हूं। के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ कि हमायूँ इज़ अ वेरी गुड गाय सब कहते हैं इंडस्ट्री में बहुत अच्छे हैं बहुत काइंड हार्टेड हैं बहुत काम है लेकिन हमायूँ बहुत बिजी हैं ये भी बता दूँ <laughs> और ये एक सक्सेस स्टोरी होती है जब इंसान इतना बिजी होता है क्योंकि वो मुझे कभी मना नहीं करते किसी चीज़ से ये सही बात कह रही हूँ मैं बिल्कुल और, सही ओके अच्छा सो हमारी पॉडकास्ट हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है आ, हम लोग जो हैं बातें जो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हम ज़्यादातर नौजवानों को नौजवानों को नहीं हर एक को इंस्पायर कर सकें कुछ हमें हम जिस तरह कैजुअल कॉन्वर्सेशन होती है वो करते हैं दोस्तों में बिकॉज ज़्यादातर लोगों को मैं जानती हूँ कुछ उसमें एक्टिविज्म भी होती है बिकॉज मुझे शौक़ है चीज़ों के बारे में बात करने का जो कि लोग ज़्यादातर बात नहीं करते गॉसिप करने का मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं mm -hmm. है बिकॉज आई थिंक ये बहुत फालतू चीज़ होती है सो आई थिंक हम उस तरह से आज बात लेके चलेंगे और हम हमेशा कहानी कहानी हमें चाहिए एक स्टार की जो स्टार भी हो या एक्टिविस्ट भी हो जो भी हो, राइटर हो, ताकि जो जो यंग आपकी जनरेशन है वो इंस्पायर हो सके और तो इसलिए हम शुरू से स्टार्ट लेते हैं बचपन से स्टार्ट लेते हैं सो लेट्स स्टार्ट विद बचपन एंड टेल मी लिटिल बिट अबाउट योर चाइल्ड सबको पता है काफ़ी कुछ मैंने तुम्हारे सारे जो इंटरव्यूज़ हैं काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हैं मैं देखे हैं जाके और सो काफ़ी चीज़ें आप बता चुके हैं लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्योंकि आज फादर्स डे है सो वी स्टार्ट विद योर फादर

कि मैं शूट कर रहा था ये लंदन नहीं जाऊंगा कि हाँ। शूट कर रहा था भावलपुर में और मुझे वहाँ से लाहौर जाना था तो हाँ। मुझे ये हुआ कि मियाँ चुनू बहुत करीब है हाँ। मैं यहाँ से जाता हूँ तो मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए फिर मुझे कभी चांस नहीं मिलेगा तो हाँ। मैं उनको कॉल किया तो एक्साइटेड हाँ। हो गए वो हाँ। तो मैं फिर कुछ एक घंटा वहाँ बैठा खाला के पास और और मैं अच्छा वो उनसे मिल लिया, बिकॉज उसकी तकरीब तक बीस पच्चीस दिन बाद उनकी डेथ हो गई तो इसलिए ही होता है मैं हमें कभी हाँ। कभी आपके वो आपको इंटेशन आ रही होती है कि ये हाँ। ज़रूरी है हाँ। मैं तो इस तरह बिलीव करती हूँ यूनिवर्स में यूनो you know, हाँ, के इस तरह ही चलती है यूनिवर्स बस मुझे वो बहुत खुशी हुई कि मैं चला गया nice वो बहुत तो मेरी अम्मी की भी बहुत मेरी की शक्ल भी ज्यादा मिलती थी तो आई नो एक स्मेल भी आती हाँ, है एम आई राइट मुझे भी याद है मेरी जो खाला नानी थी जब उनको मैं हक करती थी ना मुझे मेरी नानी याद आती थी हाँ, कि उनमें से वही स्मेल आती थी सो फैमिली जो होती है पंजाबियों में हम लोग बड़े लाउड होते हैं हम बहुत ज़्यादा शोर बचाते हैं बहुत ज़ोर से प्यार भी करते हैं इसी तरह इसी तरह हाँ? मेरे फादर बहुत गुस्से वाले हाँ, like मगर मेरे फेवरेट शुरू से बहुत okay. ज़्यादा चाहे उनसे मैं जितना डरता था हाँ. मगर मेरा दिल यही करता था कि मैं उनका उनके लिए बेस्ट रहा हाँ. आ, और मैं बड़ी कोशिश करता था उसकी तो मैं जो मैट्रिक तक जो बहुत अच्छे मेरे समझ लें मार्क्स आते थे या मैं यू नो फर्स्ट सेकेंड थर्ड से नीचे पोजिशन नहीं आती थी मेरी उसका रीज़न ये होता था कि मुझे उनको दिखाना है प्लीज करना था, उनको प्लीज करना है, कि से और वो, ना और, अ... so by, वो वो थे ना, तो वो क्यों थे तो आ, वो खुश ना ना और और नाराज हो थे थे मगर क्यों उनकी मेरे तो जब प्यार करने पे आते में उनका गुस्सा पूरे खानदान में मशहूर था अच्छा तो वो ये होता है ना कि सब ने उनसे मार खाई हुई है मेरी कजिन्स ने भी एक आध चपेड़ जरूर खाई हुई है तो मुर्गा तो वो नहीं बनाते थे वो ऐसी सपेड़ मारते थे मैं भाग ही जाता था उफल, आ, <laughs> फिर मैं हाथ नहीं आता था पर और मुझे बताएं मुर्गा आप... बनाते तो कोई मसला नहीं मसला नहीं था।, <laughs> था मुझे ये बताएं कि ये मगर आप में कोई गुस्सा नहीं है हाँ शायद मेरा इतना मैं खौफ ज्यादा रहा हूँ सारी जिंदगी मगर आ जाता है इंसान जो देखता आ, है लेकिन मेरा गुस्सा अगर मुझे आता है तो बहुत ज्यादा आता है अच्छा ओके तो मैं कुछ चीज़ भी जो हाथ में हो तोड़ देता हूं। फिर ऐसे अच्छा। एकदम से रिएक्शन आता छोड़ तो पता नहीं।, नहीं।, नहीं मुझे याद भी नहीं कोई एक दो दफा आया होगा कोई हमारे ऑफिस के अंदर कोई गलत आदमी घुस गया था वो बदतमीजी कर रहा था किसी हमारी सेक्रेटरी लड़की उसके साथ अभी जरा सा मुझे याद आएगा तो एकदम मैं उसके ऊपर चीखा हूं, तो वो सब कि ये तो मेरे पास नदीम भी है कहता मैंने तुम्हें ऐसा देखा ही नहीं कभी हाँ आ, पता नहीं मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया होता ही ऐसा कुछ कर भी रहा प्यार से उसको समझाता हूँ पहले मैंने उसको कहा

स्कूल जो है आ, मैं हमेशा चाहता था कि मुझे थोड़ी आजादी मिले और कॉलेज का मैं वेट करता था और कॉलेज में मिली आजादी और इतनी ज्यादा मिली कि पढ़ाई नहीं की अच्छी सेंट पैच में ना आ, सेंट पैच में ओके okay, तो, तो में... मेरे लिए बहुत ही एक अजीब सी बात थी कभी भी क्लास से उठकर लड़के चले जाते थे मैं कहता ये कौन सा ये तो बहुत मजे में मजे मजे कहां जाते थे ओह तो सेंट से हम जाते थे है बिल्कुल चर्च के पास हाँ। एक वो कॉर्नर पे कोई छोटी सी शॉप होती है जहाँ कोई बर्गर वगैरह सैंडविचेस वगैरह मिलते हैं खाना खाने जाते हाँ कुछ खाना खाया फिर फिर बीच भी दो तीन दफा हम गए हैं वहाँ से हम भी जाते so, थे ओके सो नाइस गुड मेमोरीज गुड चाइल्डहुड गुड सब क्रिकेट का बहुत शौक था और यू नो हमारे जहाँ रहता था पहले प्लाजा सिनेमा होता था वहाँ और उसके सामने का एरिया जहाँ जावेद शेख साहब और ये सलीम शेख वगैरह भी वहीं रहते थे अच्छा तो उन गलियों में कि जो क्रिकेट है वो अभी भी जो लड़के वड़के मुझसे मिलते हैं तो अब अब तो वो बड़े हो गए हैं उनको मैं पहचा नहीं सकता वो कहते हैं जी आपने हमारे साथ क्रिकेट खेली हुई है प्लाजा में सारा बताते हैं तो मुझे याद आता है तो अच्छा वक्त था बट अबू से डर लगता था एक

प्रॉब्लम शुरू हो गई और आ, बहुत उन पर प्रेशर आ बहुत सी इन्वेस्टमेंट मेरे फादर ने करवाई हुई थी और वो यू नो जब आ, होता नहीं कंपनीज़ में कि वो प्रॉब्लम आ गई और फिर सबके पैसे डूब गए टाइप सिचुएशन पर सब मेरे फ़ादर के पास आते थे तो फिर मेरे फादर ने काफ़ी लोगों के पैसे निकलवा के दिया और ये सब हुआ और उसी वक्त मैं आ, अब मेरा भाई जो है मुझसे छोटा वो गिर गया और किया? वो पैरालाइज हो पैराल oh, तो बाबर जो मुझसे छोटा था आई एम सो सॉरी तो मेरे पे जो जिम्मेदारी है मैं अस्पतालों के चक्कर और वो बहुत यंग मतलब मुझसे oh, एक साल छोटा था अच्छा। डेढ़ साल छोटा था मैं आई ओके okay. तो उसी वक्त मुझे काम करना पड़ा कॉलेज के साथ साथ ना। तो नाइनटीन में मुझे कॉलेज के साथ साथ काम करना पड़ा और फिर मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर दिए और यू नो और मुझे कुछ ट्यूशन्स मिल गए और मैं करता था कि किसी भी तरह मैं उन्होंने कमाना शुरू करूँ तो मेरे फादर जो मेरे से इतने उखड़े उखड़े रहते थे मतलब उखड़े से में, मेरे बत तो जाकर गुस्से में रहते थे तो अब वो गुस्सा बिल्कुल नहीं करते थे मुझ पर कि इसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है तो फिर वो बस बीच में पकड़ते थे मुझे गले लगाते थे और छोड़ देते कुछ नहीं बोलते थे अच्छा हाँ और तो इसी इसी दौरान अच्छा अब भाई का ये जब प्रॉब्लम हो गया तो बहुत आ, वो बहुत टफ टाइम था यू नो उसको एक तो बिल्कुल आपसे छोटा और वो बहुत शरारती और मज़ेदार बच्चा था और अचानक से वो अस्पताल गया और अस्पताल में मेरा अब कैसा होता है उसके बैड सोर्स और ये सब मैंने उस वक्त आंखों से देखा है उसको एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेके भागते थे और ज़ाहिर है पैसा भी उसके लिए चाहिए होता था और अब डॉक्टर्स ने साहब बोल दिया था कि सारी ज़िंदगी चल नहीं सकेगा व्हील चेयर पर तो एक पूरे ख़ानदान में मेरे फादर अम्मी अबू वो बस वो ख़त्म हो गए समझने में वो स्लोली स्लोली उनको उस बच्चे ने जो है वो उसको देख देख के तकलीफ से वो ख़त्म हो गए तो उस वक्त फिर मुझे कुछ ना कुछ करना था तो फिर मेरे फादर आपके वालिद के पास लेके गए मुझे <laughs> आपने कहानी सुनाई थी साहब के मेरा दोस्त है मैं उनके पास लेके जाता हूँ तो अच्छा मैंने सुना वो एरोनोटिकल इंजीनियर थे ये वो तो अब वो जब लेके गए अबू उनके पास तो मुझसे पूछा हाँ मुझे याद है पे एक ऑफिस में हम हाँ। गए तो फिर तो, 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 की करना है तुम ऐसे तो, कुछ मुझे बोला तो था बनना चाहते। ने, ने, मैं चाहता था मैं उनको ये कह रहा था मुझे मुझे बोला ना मैं नौकरी की बात कर रहे थे ना पायलट मैं बन सकते थे आप तो उसके लिए मैंने क्या किया था मैंने आई दिया

नीचे मैंने वी नेक टी शर्ट या ब्राउन नेक टी शर्ट पहनी वाइट और मैंने बेज ट्राउजर पहन के मैं अपनी तरफ से फुल हीरो बन के <laughs> और मैं चला गया नदीम से मिलने हाँ। नदीम ने मुझसे थोड़ी सी बात की और बोला डन है बोला तुम कितने कमा लेते हो ये ट्यूशन से मैं कब पता नहीं आठ हज़ार या पता नहीं सब मैंने बोला इतने और तो कहते मुझसे कितने चाहिए पता नहीं ऐसे कुछ बोला मैंने कहा दस भी मिल जाए आठ भी मिल जाए तो बहुत है नहीं मैं दस करता हूँ तो अब वो दस थे आठ थे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं हाँ। मगर उन्होंने दो हजार बढ़ा कि मुझे ना यकीन नहीं मेरी टांगे नीचे से कांपना शुरू हो गई एक्चुअली मुझे मिल गया काम जहां मुझे सीखना है अभी और मुझे कि मिल गई सैलरी और जो भी उन्होंने मुझे रख लिया मैं वहां से बड़ा खुश होकर निकला और घर आया और मेरी लाइफ उस दिन के बाद से बिल्कुल चेंज हो गई उसके बाद मैं पूरी पूरी रात मैं फैक्ट्री से आता ही नहीं था घर

एक यंग एज में प्रेशर लेने की आदत हो गई और फिर मतलब तो मुझे डांटे भी पड़ती थी नदीम से लेकिन वो खुश भी होता था फिर जब शिपमेंट चली जाती थी और बड़ा एक मैं तो ल, मेरी लाइफ चेंज हो गई वो लड़का जो नीचे यू नो हर वक्त क्रिकेट खेल रहा होता था या इस तरह एकदम से कार भी मिल गई हाँ वो कहानी वो, कहानी जरूर सुनानी बहुत मजे की कहानी वो ये कि नदीम ने मुझे कॉल किया कि यार वो अच्छा कार मुझे लेने आती थी ड्राइवर हाँ, के साथ हाँ. और उसी में मैं जाता था हाँ. कुछ अरसे के बाद ऐसा हो गया कि कार मुझे लेने आती थी पिक और पिक एंड ड्रॉप होता था तो उन्होंने मुझे कहा कि यार अब मैं दो तीन शिपमेंट्स गई थी नदीम वाज वेरी हैप्पी तो मुझे कहते हैं यार मैं एक काम करें हूँ आप ये कार आप ले लें अब आप अपने पास रखें और इसी में आया जाया करें तो इन अदर वर्ड्स मुझे कार मिल रही थी हाँ। तो ऐसे कहते कहते हैं चलानी आती है ना तो मैंने कहा मिनट मैं ना कर दूं तो ना नहीं मिलेगी हाँ, तो चाबी अभी ले ले, फैक्ट्री से जाएंगे घर तो हाँ। एक कार ले जाए अब मैंने रख तो दिया फोन अब मैं बोल रहा हूँ यार मेरे मैं लेके कैसे जाऊंगा गाड़ी अब stick मैं चलाऊंगा तो ऑटोमेटिक भी नहीं थी ऑटोमेटिक भी ऑटोमेटिक भी होती तो चलाना चलिए ना आपने कभी चलाई नहीं गाड़ी अच्छा जो मेरा दोस्त जिसको मैंने मैं ये बताना भूल गया कि मेरा दोस्त जो हमेशा मेरे लिए परेशान रहता था हाँ। कि यार तुम कब हाँ। हाँ। परेशान हो जाते हैं या इस एज से ही, आ, ये सोचते हैं कि हमें कुछ करना है जॉब होनी चाहिए तो वही जो अथर दोस्त है जिसका मैं कोर्ट लेके गया था हाँ। उसको मैंने फिर अपने पास जॉब पे रखा था अच्छा उसको मैंने रखा गुड तो तो वो मेरे साथ फिर काम करता था हाँ। वो और uh, he was good. वो में और कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा था तो हाँ। वो मेरे साथ था तो खैर मैंने उसको बोला मैंने कहा यार मुझे नदीम ने गाड़ी दे दी है हाँ। मुझे तो नहीं आती है खैर वो मुझे लेके गया और किसी भी तरह हम घर पहुंच गए इतनी चलाता तो थोड़ा बहुत रहा था उसको गेयर वगैरह चेंज करने में लेकिन इतना हो गया कि वो मुझे लेके आ गया फिर हम पूरी रात वो मुझे सीवी लेके गया और पूरी रात मैंने गाड़ी चलाई हमने पेट्रोल डलाया उसमें और गाड़ी चलाई तो सुबह तक मैं इतना हो गया कि मैं सुबह को खुद चला के उसके Office. साथ उसको बिठा आ, के ऑफिस लाया confidence. और फिर मेरा वो दो चार दफा मैंने जब चलाई तो फिर हुँ. मैं बट ये चीज़ें जो कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं इंसान हाँ। का जैसे खुद कह रहे हो एक जॉब जो जिसमें आपका दिल लग जाता है तो मैंने नदीम को का... बाद में बता दिया था कि मुझे नहीं आती थी <laughs> मैंने इसलिए तुमने गाड़ी का बेड़ा कर कर दिया <laughs> हाँ। <laughs> फिर जरा एक दो जगह लग भी गई होगी हाँ। कभी बट हाउ लॉन्ग डेट कितनी देर काम किया वहाँ मुझे चार साल तीन, चार साल तो, lot, मैंने, हाँ, तो, तो चार ये साल जो सारा एक्टिंग और ये सारा एक्टिंग में भी मुझे नदीम ने... नदीम नदीम ने 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 डाला था, था वो एक एक वो हमारी ये गई बहुत, हाँ, बहुत खुश थे मेरी सैलरी भी बढ़ गई और फैक्ट्री के अंदर इस तरह रखी कि मैंने सारे जितने वर्कर्स थे उनको मैंने किसी को सिंगिंग करवाई किसी को

उन्होंने कहा कि यार तुमने यू नो फैक्ट्री के अंदर एक हाँ। ऐसा कभी भी नहीं किसी ने किया आई एम वेरी हैप्पी तुमने ये सब किया तो ये वॉज वेरी हैप्पी सब हाँ। बहुत अच्छा था तो उस वक्त मुझे बोला यार तुम तो हीरो भी लगते हो हाँ। हाँ। मैं हाँ। मैंने भी कोई गाना शाना गा दिया कुछ ऐसी कर <laughs> तो मैंने कहा अच्छा तो हाँ पता नहीं कहते नहीं तुम्हें मैं नही कौन सी जगह पर एक सीन दो सीन करने हैं पी के ऊपर तुम

और फिर उसके बाद फिर मेरी फैक्ट्री के अंदर मेरे हाँ। कुछ दोस्त जो थे वो एक्टर के साथ आ गए हाँ। और अली अली के साथ एक एक्टर थे हमारे उनकी डेथ हो गई उनका नाम अभी मेरे जहन में आ जाएगा वो आ गए और वो वो कहते हैं यार एक जगह ऑडिशन है एक ड्रामा बन रहा तो है हाँ। उसमें तुम ऑडिशन दे दो हाँ। और मैंने कहा यार ये काम भी है अच्छा उस वक्त नदीम का एक चक्कर ये चल रहा था कि

पैरेलल रोल था हाँ। अच्छा मैंने एक दिन की शूट करवाई हाँ। उन्होंने मुझे कहा कि तुम ना दूसरा दूसरा वाला वाला रोल कर लो मैंने कहा नहीं, ये नहीं।, कह दिया? मैंने कह दिया। नहीं लगता था ठीक है यार काम सेट था लेकिन अंदर से गुस्सा बहुत आया क्योंकि मैंने फिर छोड़ दिया वो जब मैंने छोड़ दिया मैंने अपना ड्रामा बनाया एक सिंगल प्ले खुद ही खुद प्रोड्यूस किया दोस्त से पैसे लिए उसी को जो लेके आया तो मैंने कहा तू डेढ़ लाख रुपए मुझे दे और मेरे पास सत्तर अस्सी हज़ार मेरे पास पड़े लाख मेरे पास पड़ा है तो मैं बनाता हूँ तो मैंने वो ढाई लाख का एक ड्रामा बनाया जो कि बहुत बुरा बना और पकर... उसी जगह पर आ... वो प्रोविजन में जहाँ पे उस ड्रामे की एडिटोरी थी वहाँ मेरे ड्रामे की भी ऐडिटोरी थी तो जिन डायरेक्टर ने थी वो डायरेक्टर उन्होंने मुझे जिन्होंने निकाला वो उसके बिट्स दे के तो कहती हैं ड्रामा तो तुम्हारा बहुत बुरा है लेकिन तुम चल सकते हो तो उ, उसी डायरेक्टर हाँ। ने फिर मुझे पीटीवी का ये जहां करवाया तो मुझे वो ड्रामा करवाया उन्होंने और बस उसके बाद तो मुझे एक एड मिला में तो ज्यादा किया ही नहीं ना मैंने पीटी मैंने उस वक्त प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हो गई ये ड्रामा भी जो था आ, ये प्राइवेट प्रोडक्शन का जो बन रहा था गोस्ट ऑफ माय फादर राइट right. इस तरह का hmm. वो ड्रामा था बस फिर शुरू हो गया काम और फिर मैंने कहा मुझे एक एड मिला उसमें मुझे दस हजार एक साथ मिल गए hmm. एक दिन की शूट में दस हजार तो फिर फिर वैसे काम है दस

जो कि सबसे आई वुड से एनर्जी वाला और चुलबुला किस्म का और एकदम से इट्स अ डार्क क्लाउड फैमिली के ऊपर आ जाता है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि एक तो आप जिम्मेदारी निभा रहे हो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर टू जितना भी कोई भी बुरा हम कहते हैं हम डर जाते हैं अक्सर कि यू नो ये क्या हो गया और ये हमारे साथ क्यों हो रहा है तो मगर हम अगर आप चलते रहें और सही चीज़ें करते रहें तो कहीं ना कहीं जाके वो कहते हैं ना एक लाइट नजर आ जाती है और कुछ ना कुछ सही हो जाता तो है मेरे ख्याल से जब आप जिम्मेदारी उठा लेना घर वालों की हाँ। अपनों की तो मुझे लगता है कोई खुदा खुद ही साथ देता है I agree. वो फिर आपको ये नहीं होता कि ये तो मेरे कमाए हुए पैसे हैं और मैं इनको क्यों दे रहा हूँ या मैं उनको क्यों दे रहा हूँ तो मेरा दिल उसी वक्त से ऐसा हो गया और मैं अपने पास कुछ नहीं रखता था मैं सब कुछ अम्मी और अबू को देता था नीचे तो मैं ये फेर... वही तुमसे बात करना चाह रही थी बिकॉज अक्सर लोग नहीं जानते ये चीज़ें और आपको देखते हैं एज ए हीरो और सक्सेस स्टोरी एंड ऑल ऑफ दैट और ये जो छोटी छोटी बातें हैं छोटी नहीं है मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बातें होती हैं कि वो चांस लेना वो गाड़ी नहीं आती चलानी पूरी सी व्यू में यही तो चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ती हैं और करनी चाहिए यानी कि अपॉर्चुनिटी आती है ले लो उस वक्त कुछ और हाँ, नहीं हुआ, हाँ, तो फिल्म देख रहे हैं अमिताभ बच्चन को देख लिया या कुछ कर लिया तो उस जैसा बनना चाहता है ये सब तो सब, आए सब में होता है वो कहीं ऐसा मेरे भी जहन में गुजरा होगा और जब मुझे नदीम yeah. ने कहा तो फिर एक दफा और गुजरा exactly. और देन यू नो कॉन्फिडेंस आता है ना फिर yeah. इंसान भी सोचता है कि अच्छा वो प्रोडक्शन भी मुझे देखे हाँ. निकाला उन्होंने और हाँ. मुझे फिर फिर से मुझे करना है और फिर हाँ. मैंने खुद किया और वो सक्सेस ना भी हो ना भी उससे कोई ना कोई अच्छी चीज मिल गई एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखनी कि आप आप करो अगर वो सही नहीं भी हो रहा है आप उससे कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे उन्होंने नेक्स्ट टाइप फेलियर भी होता है तो फेलियर से ही तो इंसान सीखता है, है।, है। और सक्सेस भी होता है तो इंसान थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और हमेशा वो थोड़ा सा वो क्या कहते हैं बेचैनी होनी, होनी, है होनी चाहिए है ना बहुत हाँ। ज़्यादा बेचैनी होती है अभी भी है हाई नो आई टेल ना क्योंकि जो एम्बिशस लोग होते हैं जो अचीव करना चाहते हैं और जब एक मरतबा टेस्ट आ जाता है

इसके बाद मुझे बताएं उसके बाद क्या ओके सो नाउ दिस चैप्टर इन योर लाइफ फोर फाइव इयर्स ऑफ वर्किंग थोड़ा सा अचीवमेंट अर्ली ट्वेंटीज आई गेस मेरे ख्याल से हाँ उसके बाद तो, मेरा फिर एक ऐसा पीरियड आया वहाँ मुझे समीना मिल गई और हाँ. तो मैंने शादी का कभी सोचा हुआ नहीं था हाँ. और जब समीना मुझे मिली तो फर्स्ट लव इज इट द फर्स्ट लव पहले ये बताएं नहीं मेरा तो, वो तो, तो, तो सब, सब के क्रशेस होते हैं क्रश वगैरह मेरे हाँ। लेकिन अगर देखा जाए जै कि जैसे कुछ अरसे तक समीना से मेरी जब बातचीत रही और कुछ ऐसा वक्त आया जहाँ डिसाइड करना था कि शादी करनी है तो मैं रोने लग गया कि इसकी कहीं और शादी ना हो जाए समीना की उस और फिर मैंने बहा कर दी और मैंने कहा मुझे करनी है शादी और, और मां-बाप तो ने नहीं लड़ाई की आपसे हां की थी हां <laughs> मगर उस वक्त गले लगाते थे या फिर लड़ते भी थे उस वक्त तो चांटे नहीं मार सकते ना आप तो आप घलोना पकोगे हां तो अभी तेरा टाइम नहीं है शादी का इस तरह की बातें बोलते थे बट आ, हो गई oh, हो गई good. और बहुत अच्छा हुआ अगेन ये मेरी लाइफ का एक वो और वो बहुत एक स्ट्रॉग uh, औरत hmm. थी है और वो उसने फिर मुझे चलाया तो ऐसे करना है काम तो काम इस, इतना सीरियस होकर प्रोडक्शन ये कि शुरू में जरा सा वो घबराती थी पूरी कंजर्वेटिव होने की वजह से वो एक्टिंग में लड़कियों का आना जाना उसको जरा सा वो होता था बट आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको समझ गई oh. फिर उसने फिर देखा uh, मेरीन मरीना सानिया नाजिम इसकी सब भी ये सारी oh. सबसे इसकी दोस्ती हो गई oh. तो इतना नहीं ये oh. अच्छी अच्छे लोग हैं अच्छे हाँ, लोग हैं अच्छे लोग हैं सारे वो मिल के फिर वो, फिर वो हाँ। खाने पका पका के शूट पे लाती हाँ, थी, थी खाने का नो? तो मुझे पता है मैंने भी हाँ, खाया खाना समीना समीना भाभी इज नोन फॉर खाना हाँ, बस... अच्छा यू आल्सो लव फूड ना अच्छा मुझे मगर बिफोर वी गोइंग टू देयर सो समीना से आपकी शादी जब हो मुझे जो कहानी मैंने पढ़ी है या कहीं तक देखी है वो यही है कि आप उस वक्त किसी और के चक्कर में थे और समीना ने आपको वार्निंग दी उसके बारे में ये सच है ऐसे गॉसिप है आइडल गॉसिप नहीं आइडल गॉसिप हां कि नहीं नहीं, नहीं वो, हाँ, वो 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 ये था कि Someone, वो संबंध होता नहीं कि आप किसी ना किसी के तो साथ फोन के पर या, चल रही या, होती उस लड़की हाँ, थे <laughs> थे। <laughs> थे। तो को कहा कि तुम ना मुझसे मिल लो और मुझे तुम्हें कुछ बताना है मुझे बताना ये था कि मेरी शादी तरफ अगले भी कह रहे थे उधर भी देखिए फोन कभी ना कभी

मेरे साथ भी यही था हाँ, कि हमारे हमारे पेरेंट्स हाँ, लगते एक, एक जैसे थे सारे हाँ, और फिर कभी-कभी हमें तोड़ना भी पड़ता था चीटिंग भी करनी पड़ती थी हाँ, वो चुपके-चुपके हाँ, चुपके हाँ, किसी ने हमें बुलाया हम वहां जा रहे हैं exactly. तो एक काम के बाद भी मैं फैक्ट्री में होता था तो मेरी अम्मी अब्बू का फोन आते थे कि फैक्ट्री में है ना डरते ज्यादा थे हालात क्योंकि बड़े 90s में चेंज हुए शादी के बाद में अलग हुआ घर वाले कुछ पुर, नहीं अच्छा लगता था ये अलग होना तो उस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे बहुत बड़ा अच्छा, घर ले या कुछ ऐसा कर लू तो मैं अपार्टमेंट में ही शिफ्ट हुआ अपार्टमेंट से निकल के तो मेरे क्या जब साथ रहेंगे तो किस तरह चलेगा बोला कि तंगी होगी है ना मेरे बेटे की मंगनी हो गई है तो मैं भी उसको यही एडवाइस देती हूँ कि आप अपनी जगह लें जिम्मेदारी हाँ, लें अपना घर चलाएं इट्स तो ये हम ये बात हम करना चाह रही थी कि बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में चीजें ट्रेडिशंस हैं हम उनको बुरा भी नहीं कह सकते पुराने ट्रेडिशंस हैं अब नए ट्रेडिशंस आने शुरू हो गए जैसे कि मुझसे सब पूछते हैं इंगेजमेंट कैसे है, डिफरेंट किस्म की हुई है तो मैं उनको समझाती हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है वो चीज़ें डिफरेंटली करना चाहती है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है बट आपको अपने पेरेंट्स का भी दिल नहीं दुखाना होता नहीं। और वो भी साथ साथ उनको भी लेके चलना होता है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम जब हम यंग होते हैं पेरेंट्स की इज्जत रखने के लिए हम आगे बताते भी नहीं हैं नाइट हम बता भी नहीं सकते क्योंकि हम हम जब उस सर्कल में होते हैं या आप कोई एक स्टार होते हैं सारी दुनिया आपको जानती है और फिर उनकी स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है और यहाँ पे आपको पता है ना लोगों को तो गॉसिप करने का बहुत शौक़ है अच्छा मैं एक और चीज़ पूछूँगी आज मैं जब मेकअप करा रही थी ना तो मैंने मेरे दो एक मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट मैंने कहा अगर हम सही से एक सवाल करना हो तो वो क्या होगा तो उन्होंने दोनों मुझे हमायों से ये पूछना है कि हाउ वो क्या करते हैं अपनी शक्ल हाँ। के साथ बॉडी का तो पता है हाँ। मसल करते हैं इसीलिए मैंने ये वीडियो ये पेंटिंग लगाई है पीछे अच्छा शक्ल क्योंकि इतना डिस्कस हुआ कि मैं आ, किसी वो एक्ट्रेस के साथ काम कर रहा था लंदन में तो उसने मुझे बोला कि, कि कि तुम क्या करते हो तुम्हारा हाँ। फेस आ, बिल्कुल सही है कोई झुरियां हाँ। हाँ। नहीं है हाँ। इवन मोहम्मद से छोटी थी उसकी थी

कि खाना एक्चुअली वॉट यू ईट मेक्स ऑल द डिफरेंस क्योंकि 70s के अंदर बहुत डिफरेंट <coughs> था और अब बहुत डिफरेंट चीज़ में एक दफ़ा मैं सब कुछ खा लेता हूँ अदरवाइज कोशिश करता हूँ मैं रोटी चावल कम खाऊं लेकिन खाता हूँ जिस दिन बिरयानी खानी है खाता हूँ जिस दिन पुलाव खाना है खाता हूँ ओके अच्छा अब ये एक किस्सा हुआ बचपन में विच, अपसेट यू जो भाई का था एक एक्सीडेंट भी हुआ था आपका अच्छा मेरा मैं पहली फिल्म जब मैं करने गया उसके हाँ. रैकी के लिए गए थे मैं नदीम और सना समीना भी साथ थे मेरा पार्टनर okay. शहजाद नसीब भी साथ थे मैं एयरपोर्ट से बैंकॉक गए थे हम हाँ. एयरपोर्ट से जब वापस आ रहे थे तो उस बंदे ने जो तो गलत टर्न लिया हाँ. और एक बस ने हमें मारा दूसरी बस ने मारा हमारी पूरी, पूरी वैन उलट गई ये बैंकॉक में था बैंकॉक में और और बस अच्छा मुझे ये सब याद नहीं बेहश जब मैं बेहोश हो गया था हाँ। ये सब ठीक थे और अल्लाह का हाँ। शुक्र है कि किसी को कुछ नहीं समीना के कुछ लगा हुआ था हाँ। तो मैं जब मेरी जब आंख खुली तो मैं स्ट्रेचर जो है मेरा वो एम्बुलेंस में पूछ रहा था, मैं रहत रहत था।, था कि हुआ क्या है क्योंकि हाँ। मुझे नहीं पता चला पेन नहीं तकलीफ नहीं हो रही थी तकलीफ उस वक्त हुई जब मैं हॉस्पिटल मुझे ले गए तो जब उन्होंने जख्मों के ऊपर वो मुझे यू नो लगाना शुरू किया तो तब मुझे तकलीफ हुई कि मेरे कंधे में है मेरे दांत भी मेरे दांत ये हिलते हैं अभी तक अच्छा? ये लग गया था मुझे तो और क्या हुआ और फिर उन्होंने फिर ये देखा कि कोई इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं है लेकिन शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं था, था। तो मैं बहुत बचा मेरा मुंह हाँ, पे लगा हुआ था हाँ, यहां से सूजा हुआ था इतना हां इस तरह था कुछ टांग पे स्कार्स नहीं है लेकिन कोई नहीं 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 कोई नहीं हुआ यहां स्टिचेस एक है यहां यहां या यहां पता नहीं यहां यहां ये

और वही याद आते हैं बस ऑफ कोर्स याद आते हैं अच्छी अच्छी अच्छी, अच्छी याद ना, दिखाए कुछ बुरा hmm. वक्त और जो सब चल रहा है बस अच्छा हो बाकी लाइफ है कुछ ना कुछ तो होता ही है अच्छा अब इतनी सारी सक्सेस है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है एवरीथिंग इज देयर लाइक अवार्ड्स हैं फिल्में भी सक्सेसफुल सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जवानी पर नहीं आनी टू व्हाट इज अब व्हाट डू हुमायूं सईद वांट नाउ इज देयर एनीथिंग यू डोंट इज एनी ऑब्वियसली आप इस किस्म के आई डोंट थिंक आपके कोई रिग्रेट्स होंगे लेकिन इज ए एनी थिंग यू स्टिल वॉन्ट क्या चाहिए अब अगर आप देखें काम के लिहाज से मुझे मैं अक्सर जो दुआ मांगता हूँ जो खुदा से वो सबसे पहली दुआ यही होती है कि मुझे सेहत दे और मेरे घर वालों को खुश रखे हुँ. और मेरे घर वालों को भी सेहत दे मेरे दोस्तों को सेहत दे ये मेरा पहली दुआ होती है जब हुँ. भी मेरे हाथ होते हुँ. और आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है yeah. बाकी देखें काम काम मुझे जितनी भी सक्सेस मिले लेकिन आप अगेन चाहते हैं कि अब आप ऐसी चीज़ बनाएं जो पूरी दुनिया के अंदर सक्सेस दे। या आप यहाँ पे रहते हुए भी अभी आप ऐसा कंटेंट बनाएं जो लोगों को यू you नो know, कुछ दे उसमें कुछ सबक भी दे। mm. अभी तो हम कमर्शियल फिल्में बना के yeah. लोगों को एंटरटेन करके ताकि सक्सेस ज़रूरी इसलिए भी mm. है सिनेमा के अंदर अभी कि जब आपको सक्सेस मिलती है तो आप आगे क्योंकि हमारी इंडस्ट्री अभी बहुत छोटी है ग्रो हाँ। कर रही है हाँ। तो उसमें आप जब आपको सक्सेस मिलती है तो आप फिर दूसरे काम भी आगे कर सकते हैं अदरवाइज ये जब आपकी कमर टूटती है ना जब हाँ। हाँ। तो हम इतने बड़े नहीं है यहाँ के अगर एक दो फिल्में दो तीन फिल्में, फिल्में फ्लॉप हो गई और मैं फिर भी बनाता I रहूंगा agree, yeah. कहीं जाके मैं बैठ जाऊंगा बोलूंगा यार ड्रामा ही बनाता रहता हूँ तो इसलिए जरा सा सेफ रह के फिल्म बनाता Uh, लेकिन जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मैं चाहता हूँ मैं सीरियस मैं, मैं फिल्में भी ऐसी और उनका स्क्रिप्ट ऐसा हो कि मैं वो भी सक्सेसफुल हूं और your, right. वो पचास सौ सत्तर करोड़ ना करें मगर वो लोग खुश हों कि ये फिल्म बनाई हमायू ने और, uh, और ये भी चली मेड इट टू इट अच्छा नहीं वी वॉन्ट टॉक अबाउट इट अच्छा मैंने कहीं से ये सुना था कि आप जब गए थे वहाँ पे कुछ आपका डायलॉग था वो उल्टा बोल गए इज़ दैट ट्रू इज दैट मैं बोलूँ वो डायलॉग क्या था आई एम डॉक्टर हसनत आई एम कमेटेड टू माई प्रोफेशन ये वाला था

लंदन ही जाऊंगा अब लोग अब ईद पे ही देखेंगे आ, ट्रे, ट्रेलर की काफी बस है, और लोगों देखा को अच्छा भी लगा है जरा सी एक फिल्म सिर्फ कॉमेडी कॉमेडी नहीं है एक जरा डार्क साइड भी है फिल्म की तो लोगों को ट्रेलर में नजर आई है मगर आ, आ, लोग फिल्म के अंदर वो जहाँ एक सीरियस डायलॉग चल रहा होगा उसके बीच में ह्यूमर आएगा अच्छा वही मिसोजिनिस्ट आदमी प्ले कर रहे हैं

जो सारी डील्स हैं वो इंडिया के थ्रू हो रही है अच्छा जो मुझे लग रहा है आ, हमारे यहाँ से अभी इस तरह कोई इनकी रिक्वायरमेंट है नहीं नॉट बट लेकिन मुझे लगता है तीन चार साल के अंदर कुछ जैसे ये एक्टर्स को ले रहे हैं हुँ। तो आहिस्ता आहिस्ता इस ऐसा वक्त आ जाएगा कि अगर हम में से किसी ने जाके कुछ बड़ा कर दिया तो फिर वो प्रोडक्शन भी हमारे हाथ में आ ही सकती है ओके और कल सुबह आप लंदन जा रहे हैं

जो इंसान का मैसेज है और जो मैं समझती हूँ जो हमारी सद को लोग जानते हैं एज़ ए वेरी नाइस पर्सन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मुझे मुझे तो पता है मगर बाकी लोगों को इतना पता है नहीं पता आई hmm. थिंक वो पहुंचाना बहुत ज़रूरी है मैसेज सो इसीलिए मैं चाह रही थी कि आप इस पॉडकास्ट में मैंने सबको नहीं बुलाया इसमें hmm. मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि मैं hmm. किसको बुलाऊंगी किससे बात करूँगी एंड यू आर वन ऑफ दोज पीपल बिकॉज आई एक्चुअली लुक एट यू एज समबडी हु इज़ एन इंस्परेशन टू अदर पीपल एंड आपके वैल्यूज़ बहुत अच्छे हैं hmm. आपके फैमिली वैल्यूज आपको ले कर चल रहे हैं जो, जो शुरू से आपके पास हैं एंड आई होपू है लॉड ऑफ सक्सेस एंड आई होप कि जो भी आप आगे सोचें कुछ तो सोचा होगा यू हॉलीवुड एजेंट नाउ यू टोल मी जी जी हाँ काम किया है कुछ चीजों पे काम हो रहा है हो रहा है के अब वो वो कहते कहते हैं हैं ना कि के नाम ना, हमें ज़्यादा और inclusion स्टार्ट कर दिया, दिया ब्रिस्टन हमने सब देख रहे हैं उसमें उसमें भी है और हर जगह मैं देखती हूँ जिस जहाँ भी मैं देखती हूँ कोई कॉमेडी शो सीरीज उसमें कहीं ना कहीं वेदर यू सी एशियन पीपल पाकिस्तानी it's good huh yeah chibata yeah. right okay so i think we're done i wish you all the yes. luck in the world and uh, and and i hope we can call you back for another podcast and i hope that or <laughs> best i just wish you the best because i know that you know i'll give next ah that's true okay